The project from Pandas to Bahama, four-laning project. The work has been resumed from last 1 week. We have resumed the work because the chief engineer has visited the site and assessed the situation. The work is ongoing on machines, and the man and machinery has been deployed on the site. The machinery is going on. We will try our best to complete the project as soon as possible, subject to the availability of land, as well as issues may be resolved, disputes may be resolved from the district administration as well as revenue. There are various issues. Main issue is the non-availability of land. We are not able to complete the project on time. We have taken the issue with the district administration as well as revenue to available the land so that the project will be completed as soon as possible. There is a lot of encroachment from Pandas to Vail. We have served them notice to the violators and request them not to violate Urban Development Act. Same has been forwarded to district administration so that the legal action will be initiated to them. I request all the inhabitants of Pandas to Bahama don't violate the Urban Development Act. Otherwise, the legal action will be initiated to them. ये वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं. हम सबसे पहले हम आपके बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इसकी तरफ मतलब हर एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी अफसर हैं उनकी तवज्जो आप मौजूद करते हो इसकी तरफ. आपको पता है जो काम चल रहा है तकरीबन 5 साल से चल रहा है, 2016 में शायद इसका इनॉग्रेशन हुई थी. लेकिन काम का आप देखो रफ्तार क्या है, जो मतलब 2 साल में या 1.5 साल में मुकम्मल होनी चाहिए वो आज 5 साल में मुकम्मल नहीं हुई. और हमारी जो मांग है वो सिर्फ हमारी मांग बेहमा चौक तक कम्प्लीट नहीं होती है. हमारी मांग बराबर कम्प्लीट तब हो जाएगी जब ये वायल ब्रिज के पार बाईपास तक मिल जाएगी. तो अब हम आपके वसात से गुजारिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और हम बहुत खुश हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन्होंने जुलाई से इस वायल ब्रिज पर वायल ब्रिज की तरफ भी तवज्जो दिया, बहुत तवज्जो दिया. अभी काम अच्छी चल रही है उस पर. अब हम उनसे और गुजारिश करते हैं कि ये फेज़ जो है इस पर भी काम लगनी चाहिए, वो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी. टेकअप किया था, ये 20 करोड़ का इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है. और इसके अलावा इसमें एक्विजिशन, लैंड एक्विजिशन है, रिहैबिलिटेशन है, स्ट्रक्चर कॉस्ट है, वो कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा है, 64 करोड़ का ओवरऑल है वो वाला. तो इस ज़मन में आपको ये कहूँगा कि जो काम इस वक्त चल रहा है हमारा पहले फेज का फ्रॉम पांडस टू बिहामा, वो हमें इस वक्त स्ट्रेचेस में काम चल रहा है. बीच में काम रुका था क्योंकि इसमें सियारा फंडिंग काफ़ी पोअर हो रही थी. तो फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इसको लैंग्विशिंग में लेंगे, और लैंग्विशिंग में हमने पिछले साल इसमें काम काफ़ी किया और इस साल भी किया. लेकिन बाद में फिर फंड्स ना होने की वजह से, क्योंकि इस वक्त भी हमें वर्क डन क्लेम काफ़ी कोई 1.5 करोड़ के आसपास है. बीच में हमने उसको पेमेंट भी दी, कुछ राहत भी मिली कॉन्ट्रैक्टर ने, उस पेमेंट की वजह से उसने फिर से काम शुरू किया है. जो आप खुद भी आपने खुद मौके पर देखा होगा कि हमारे प्रोटेक्शन वॉल्स हो रहे हैं, इस वक्त ड्रेनेजेस हो रहे हैं, कलवर्ट्स हो रहे हैं, और हम उसके प्रोफाइल रोड का जो है वो इस वक्त तैयार कर रहे हैं. तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो हमें दुश्वारी ये आ रही है, जो हम लैंड एक्विजिशन पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो कुछ कहीं पर नेटिविटीज है, लाइक आप कहीं पर हमारा कोर्ट केस है, कहीं पर आपस में जो जिन लोगों की ज़मीनें हैं उनमें आपस में तनाज़ा है, कहीं पर स्ट्रक्चर उठाना है वहाँ पर वो कोई दुश्वारी है. तो ये दुश्वारी जो है हम एज R&B डिवीजन नहीं सॉल्व कर सकते हैं. इसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होना चाहिए, जो अभी तक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है. लेकिन
उनकी भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ दुश्वारियां हैं उनको, जो वो सॉल्व अभी तक नहीं कर रहे। हालांकि हमने इस साल भी कोई इनको 2-2.5 करोड़ रुपए रिहैबिलिटेशन के और लैंड एक्विजिशन के लिए हमने पैसा इनको वागुजार किया है। इस वक्त तक हमने जो लैंड एक्विजिशन और ये हमने 14 करोड़ के आसपास इनको दिया है, जिसमें कोई 7-8 करोड़ डिस्पर्स भी हुआ है। तो अभी अब हमने स्ट्रक्चर्स की सारी डिटेल इनको दी है। ऐसे ही हमारे पास काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो ये प्रोजेक्ट पूरा टेक ऑफ नहीं हो रहा है, बट स्टिल हम होपफुल हैं कि एटलीस्ट 1.5-2 किलोमीटर हम इसको मार्च तक कंप्लीट